जेनेटिकल मटेरियल है हमारे, न्यूक्लिक एसिड पहली मर्तबा न्यूक्लिक एसिड फर्स्ट टाइम पहली मर्तबा जो इंट्रोड्यूस कराए थे, दैट वाज द फ्रेडरिक मेस्टर, स्विस फिजिशियन था ये, स्विस फिजिशियन था ये फ्रेडरिक मेस्टर, और इसने इन मटेरियल को न्यूक्लियस के अंदर ऑब्जर्व किया था। दैट वाज द फ्रेडरिक मेस्टर, 22 इयर्स यंग मैन। बाईस साल का एक यंग लड़का जो है या एक साइंटिस्ट जो है, उसने पहली मर्तबा न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर या चीज देखी और उसको नाम दिया न्यूक्लियन, मीन्स फाउंड या प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। मगर बाद में पता चला कि ये न्यूक्लियस में भी पाए जाते हैं और न्यूक्लियस के बाहर भी पाए जाते हैं, मीन्स साइटोप्लाज्म में आरएनए की फॉर्म में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाए जाते हैं। तो इस वजह से इसका नाम ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, मीन्स डिस्कवरी इज कंसर्न्ड विद द न्यूक्लियस एंड दैट आर एसिडिक इन प्रॉपर्टी, तो इस वजह से इसका नाम रखा गया कि पहली मर्तबा ये न्यूक्लियस में मिले थे और एसिडिक प्रॉपर्टी वाले केमिकल्स हैं ये, तो इनका नाम रखा गया न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का भी एक यूनिट होता है, एक छोटा सा यूनिट होता है जिसको हम मोनो मोनोमर कहते हैं, और इनका जो मोनोमर है बेटा वो न्यूक्लियोटाइड है। जैसे हमने प्रोटीन का मोनोमर पढ़ा अमाइनो एसिड, लिपिड के मोनोमर्स पढ़े ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर्स पढ़े हमने मोनोसेक्राइड, तो न्यूक्लिक एसिड के जो मोनोमर्स हैं दैट आर द न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है? दैट आर द यूनिट, न्यूक्लियोटाइड जो है स्मॉल यूनिट नहीं है, और न्यूक्लियोटाइड छोटे छोटे ग्रुप में मैसेज नहीं करें, नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से न्यूक्लिक एसिड को हम डिस्कस करते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड है ये। न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड जो है दैट आर द मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर्स हैं ये, न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर्स हैं, और दैट आर नोन एज माइक्रो मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सॉरी न्यूक्लिक एसिड। अब ये न्यूक्लियोटाइड हैं क्या? अगर इसको हम देखें तो न्यूक्लियोटाइड बता दो तीन चीजों से बने हुए हैं। न्यूक्लियोटाइड जो है तीन चीजों से बनते हैं। पहले एक चीज उसके साथ ऐड होती है, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का मतलब है पांच कार्बन वाली शुगर। जैसे हमने मोनोसेक्राइड्स में पढ़ा, थ्री कार्बन वाली के लिए हमने वर्ड यूज किया था ट्रायोज, चार वाली के लिए टेट्रोज, पांच वाली के लिए पेंटोज। इसी तरीके से इधर भी पेंटोज शुगर है। न्यूक्लियोटाइड में पांच कार्बन वाली शुगर पाई जाती है, दैट्स नोन एज अ पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर पांच कार्बन वाली शुगर है, C5H10O5 या O4 भी हो सकता है। और पेंटोज शुगर के बाद इसके साथ एक और चीज होती है जिसको हम नाइट्रोजन बेस कहते हैं। और तीसरी चीज जो इसके साथ ऐड होती है दैट नोन एज फॉस्फेट ग्रुप, आर वी कैन से फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 भी कहा जाता है इसको, या HPO4 भी। न्यूक्लियोटाइड दोबारा सुनने, न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें पाई जाती हैं, वन इज द पेंटोज शुगर, अदर वन इज द नाइट्रोजन बेस, थर्ड वन इज द फॉस्फेट ग्रुप। पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट ग्रुप। तो ये तीन चीजें जब आपस में मिलती हैं
इन तीनों की कॉम्बिनेशन को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, मगर न्यूक्लियोटाइड एट ए टाइम नहीं बनता। न्यूक्लियोटाइड में बेटा स्टेप होता है, पहले पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर वन पे, पेंटोज शुगर के साथ एक मिलती है नाइट्रोजन बेस, तो इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं कि दिस इज द न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या है? व्हेन पेंटोज शुगर, व्हेन नाइट्रोजन बेस अटैच विद पेंटोज शुगर, जब नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर वन पे लगे, पेंटोज शुगर के साथ लगे, तो उसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग, वन इज द पेंटोज शुगर एंड अदर इज द नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस को नाइट्रोजन बेस इस वजह से कहा जाता है क्योंकि उसके साथ नाइट्रोजन पाया जाता है और उसकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है। इस वजह से पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस दोनों को मिलाकर हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ, अब अगर इस न्यूक्लियोसाइड के साथ, न्यूक्लियोसाइड जिसको हम कह रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड बेटा जिसको हम कह रहे हैं, अब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर फास्फोरिक एसिड मिलता है या फास्फेट ग्रुप मिलता है, तो इन दोनों को मिलाकर हम नाम देते हैं कि दैट इज द न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किसको कहा जाता है? व्हेन न्यूक्लियोसाइड बॉन्डेड विद फास्फेट ग्रुप, फास्फेट ग्रुप, या आप ऐसे भी लग सकते हैं कि पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेस एंड फास्फेट ग्रुप या फास्फोरिक एसिड ऑल बॉन्डेड टूगेदर, या आप कह सकते हैं कि पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेस फास्फेट ग्रुप कलेक्टिवली फॉर्म द न्यूक्लियोटाइड। एक को आप नाम देंगे पेंटोज शुगर। हमेशा याद रखें कि पेंटोज शुगर किस तरीके से होती है। पेंटोज शुगर पांच कार्बन वाली एक शुगर हम बनाते हैं। दिस इज अ फाइव कार्बन कंटेनिंग शुगर, ये ऑक्सीजन है, वो जो लिखा है ऑक्सीजन, ये कार्बन नंबर वन, कार्बन नंबर टू, कार्बन थ्री, कार्बन फोर, और एक कार्बन इसका बाहर लगता है जो पांच कार्बन है। दिस इज नोन एज पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर फाइव, पांच कार्बन है इसके अंदर। तो हमेशा याद रखें कार्बन नंबर जो इसका वन है, इसके साथ कोई भी एक नाइट्रोजन बेस लगेगी, कोई भी एक नाइट्रोजन बेस लगेगी। अब इन सबको मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर अगर हम नाम देना चाहें तो दैट नोन एज न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं बेटा इसको हम? न्यूक्लियोसाइड। कार्बन नंबर वन पे नाइट्रोजन बेस लगेगा, पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर वन पे हमेशा नाइट्रोजन बेस लगेगा जब भी लगना होगा, और उसके बाद जो है इस जगह पे कार्बन नंबर फाइव के साथ फास्फेट ग्रुप लगेगा। कार्बन नंबर फाइव पे फास्फेट ग्रुप लगेगा, फाइव पे फास्फेट ग्रुप लगेगा, ये वाला फास्फेट ग्रुप, कार्बन नंबर फाइव पे फास्फेट ग्रुप लगेगा। अब अगर इसको कलेक्टिवली आप नाम देना चाहें, कलेक्टिवली पूरी स्ट्रक्चर को अगर आप नाम देना चाहें, तो दैट नोन एज न्यूक्लियोटाइड। ये है पेंटोज शुगर, ये है नाइट्रोजन बेस। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस दोनों को मिलाकर हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो आपसे अगर कोई भी पूछे कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या फर्क है, तो आप कहेंगे कि पेंटोज शुगर के साथ जब नाइट्रोजन बेस लगे तो दैट इज अ न्यूक्लियोसाइड। जब न्यूक्लियोसाइड या पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर फाइव पे फास्फेट ग्रुप लगे या फास्फोरिक एसिड लगे, तो इन तीनों को मिलाकर हम नाम देंगे न्यूक्लियोटाइड।
तो न्यूक्लियोटाइड में एक पेंटोज शुगर, एक नाइट्रोजन बेस, एक फास्फेट ग्रुप, ये तीनों जब आपस में मिलते हैं तो दैट नोन एज ए न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड है ये, एक न्यूक्लियोटाइड है बेटा ये। और इस एक न्यूक्लियोटाइड को अगर हम स्टडी करें, इस एक न्यूक्लियोटाइड को अगर हम स्टडी करें तो इसके अंदर कौन सी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं? न्यूक्लियोटाइड हैं, इसमें नाइट्रोजन पेंटोज शुगर दो टाइप की होती है, किसी में पेंटोज शुगर किसी के अंदर कौन सी लगी होती है, किसी के अंदर लगी होती है राइबोज शुगर। राइबोज शुगर उसको हम कहते हैं जब C5H10O5 हो। और दूसरी होती है बेटा डी ऑक्सी राइबोज शुगर, डी ऑक्सी राइबोज शुगर का मतलब ये है कि राइबोज शुगर तो है वो डी है, डी में लेस है, लेस का मतलब है कि 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन और इसके अंदर 1 ऑक्सीजन, डी मीन्स लेस, ऑक्सीजन कम है, C5H10 और O4 वाली ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो न्यूक्लियोटाइड में कोई भी एक, किसी में डी ऑक्सी राइबोज होती है, किसी में राइबोज शुगर होती है। राइबोज शुगर का मतलब है C5H10O5, डी ऑक्सी राइबोज का मतलब है C5H10O4। और उसके बाद जो फास्फेट ग्रुप है वो भी हम दो टाइप के लिखते हैं, फास्फेट ग्रुप किसी में H3PO4 कहा जाता है उसको, या नॉर्मली हम कहते हैं HPO4 भी कहा जाता है, ये होते हैं। और नेक्स्ट वन इज द नाइट्रोजन बेस, जो मैं अलग डिस्कस करने जा रहा हूं। नाइट्रोजन बेस, तीन चीजें हो गई, किसी न्यूक्लियोटाइड में एक पेंटोज शुगर, दोबारा सुन लें, एक फास्फेट ग्रुप, एक नाइट्रोजन बेस होता है। पेंटोज शुगर के दो टाइप्स हैं, राइबोज शुगर, डी ऑक्सी राइबोज शुगर। फास्फेट को भी हम दो तरीकों से शो करते हैं, H3PO4 या HPO4 से। और नाइट्रोजन बेसिस भी हमारे पास दो टाइप की हैं, नाइट्रोजन बेसिस जो है दो टाइप के, दीज आर द नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस एक होती है बेटा पैरामिडाइन, वन आर नोन एज अ पैरामिडाइन, अदर आर नोन एज प्यूराइन। जो पैरामिडाइन है वो सिंगल साइक्लिक बॉन्ड होता है उसमें, और उसके लिए हम साइटोसिन, थायमाइन, यूरेसिल कहते हैं। और इस जगह पे और भी क्लियर में लिख दूं इसको तो बात समझ में आएगी कि नाइट्रोजन बेस के भी हमारे पास दो टाइप हैं बेसिस में, एक है प्यूराइन और दूसरा है पैरामिडाइन। वन इज द प्यूराइन, एक है प्यूराइन। प्यूराइन में हमारे पास जो प्यूराइन में कंडीशंस हैं, प्यूराइन के अंदर क्या होगा, प्यूराइन वाले जो हैं डबल साइक्लिक स्ट्रक्चर है इनकी, फर्क ये है। और इनमें पैरामिडाइन में क्या है, सिंगल साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये डबल साइक्लिक स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि इसमें दो साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं ऐसा, और सिंगल साइक्लिक का मतलब ये है कि उसमें एक साइक्लिक स्ट्रक्चर अवेलेबल है, जो आप देख सकते हैं इस जगह पे, ये देखें ये सिंगल साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है। तो इनके लिए जो सिंगल साइक्लिक स्ट्रक्चर वाले हैं उनमें हमारे पास साइटोसिन, जिसको हम सी से शो करते हैं, अदर वन इज द थायमाइन जिसको हम टी से शो करते हैं। साइटोसिन, थायमाइन, यूरेसिल, यूरेसिल जिसको हम यू से शो करते हैं। और इसके अंदर हमारे पास एडीनाइन जिसको ए से शो करते हैं, और दूसरा है बेटा गुआनाइन जिसे हम जी से शो करते हैं। तो एडीनाइन इधर देख लें, दोबारा देख लें, साइटोसिन, थायमाइन, यूरेसिल, एडीनाइन, गुआनाइन। तो एडीनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थायमाइन, यूरेसिल, दीज आर नोन एज ए नाइट्रोजन बेसिस। एडीनाइन, गुआनाइन,
साइटोसिन, यूरेसिल, थायमाइन। अब इसको आप याद भी रख सकते हैं कि इनमें से डबल साइक्लिक कौन सा है। पहले जिसमें दो हैं ये डबल साइक्लिक है, और जिसमें तीन है ये सिंगल साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ये तो आपसे बेटा पूछा जा सकता है कि प्यूराइन कौन से हैं। प्यूराइन, एडेनाइन और ग्वानाइन आर नोन एज अ प्यूराइन। साइटोसिन, यूरेसिल और थायमाइन। ए जी कट, ए जी कट, सी यू टी कट, कट जो है उसमें साइटोसिन, यूरेसिल और थायमाइन आ जाते हैं। एडेनाइन, ग्वानाइन जो है उसके अंदर आ जाते हैं कॉमनली। तो दोबारा देख लें, कोई भी एक नाइट्रोजन बेस, ये जो जितने भी पांच लगे हुए इनमें से कोई भी एक नाइट्रोजन बेस लगेगी, और कोई एक पेंटोज शुगर और एक जो है फास्फेट ग्रुप। तो मींस जिस नाइट्रोजन बेस को हम उस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लिक एसिड जो है उनके तीन टाइप्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड के तीन टाइप हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। कि भाई उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से होने चाहिए। अगर एक न्यूक्लियोटाइड वाला मॉलिक्यूल है तो उसको आप मोनोन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। मोनो मींस सिंगल, न्यूक्लियोटाइड मींस एक न्यूक्लियोटाइड उनके अंदर पाया जाता है। जैसे हमारे पास एटीपी है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, या उसके बाद एफएमएन है, फ्लेवन मोनोन्यूक्लियोटाइड है। तो इस तरीके से आपके पास जो मोनोन्यूक्लियोटाइड है, मोनोन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है, मोनो मींस सिंगल, न्यूक्लियोटाइड मींस इनमें एक न्यूक्लियोटाइड होगा। उनमें आपके पास एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और उसके बाद हमारे पास एडीपी का भी एग्जांपल हो सकता है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और दूसरा जीटीपी का भी हो सकता है जिसको आप ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, या उसके बाद है एसएमएन, फ्लेवन मोनोन्यूक्लियोटाइड, मोनो न्यूक्लियोटाइड। तो ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है इनमें। अगर किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स के अंदर एक न्यूक्लियोटाइड मौजूद हो तो उसको आप मोनोन्यूक्लियोटाइड का नाम देते हैं। और दूसरे होते हैं बेटा डाई न्यूक्लियोटाइड, जिसमें दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जस्ट डाई न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ओनली टू न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट, सिर्फ दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं। दो न्यूक्लियोटाइड कोई भी एक जैसे या डिफरेंट आपस में अटैच हो सकते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है एनएडी है, नैकोटीन अमाइड एडी नाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, एनए है ये, सॉरी ये नहीं होगा, ये वाला NAD, नेकोटीन अमाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, या दूसरा है NADP, नेकोटीन अमाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, NAD, नेकोटीन अमाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, NADP, नेकोटीन अमाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, या FAD है, फ्लेविन एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, FAD वाले, एडी नाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये कुछ केमिकल्स हैं, और इस मोनोन्यूक्लियोटाइड के लिहाज से कुछ एक चीज भी दी गई है कि एटीपी को आप ब्रेक करते हैं तो उसमें से हमें एडीपी प्लस फास्फेट प्लस 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है हमें। तो ये भी एक दिया इन्होंने, मोनोन्यूक्लियोटाइड मीन्स एक न्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड मीन्स दो न्यूक्लियोटाइड,
और इस तरीके से तीसरे जो है हमारे पास वो है पॉली न्यूक्लियोटाइड। पॉली मीन्स मेनी, पॉली न्यूक्लियोटाइड का मतलब है पॉली मीन्स मेनी। पॉली न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या है कि मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर अटैच। आर अटैच्ड टू गेदर, एक न्यूक्लियोटाइड है ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के साथ मिल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, इसी तरीके से न्यूक्लियोटाइड में जो बॉन्ड पाया जाता है वो है फास्फोडाईस्टर बॉन्ड। फास्फो डाईस्टर बॉन्ड पाया जाता है जो दोनों न्यूक्लियोटाइड को एक दूसरे के साथ अटैच करता है। एक न्यूक्लियोटाइड अगर दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच दें तो दैट इज बिकॉज ऑफ फास्फोडाईस्टर बॉन्ड। तो पॉली न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास दो पॉली न्यूक्लियोटाइड है, वन इज द डीएनए एंड अदर वन इज द आरएनए। डीएनए है क्या, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए, और ये बेटा राइबो न्यूक्लिक एसिड आर एन ए। डीएनए डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए जो है ये क्या कहलाते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। डीएनए एज अ जेनेटिकल मटेरियल, अब इसमें अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, इस जगह पे देखें, दिस इज अ डीएनए। डीएनए में क्या पाया जाता है, डीएनए कंटेन्स डी ऑक्सी राइबो शुगर मीन C5H10O5 पाया जाता है। C5H10 है इधर और O4 है इधर, डी ऑक्सी राइबोज, और इसके अंदर क्या है, राइबोज शुगर है। C5H10O5 पाई जाती है। और डीएनए में क्या पाया जाता है, एडेनाइन गुआनाइन साइटोसिन थायमाइन। और आरएनए के अंदर क्या पाया जाता है, एडेनाइन गुआनाइन साइटोसिन और यूरेसिल। इसके अंदर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, मीन इसकी स्ट्रक्चर हमें इस तरीके से लेडर टाइप डबल नजर आती है, और जबकि इसकी सिंगल स्ट्रैंडेड है। और दूसरी चीज, आरएनए मेनली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है एक्सेप्ट एमआरआरएनए, सॉरी आरआरएनए। इस आरआरएनए को छोड़कर बाकी तमाम जो है सिंगल स्ट्रैंडेड हमें मिलते हैं। और डीएनए के जस्ट वन काइंड है, एक टाइप पाया जाता है, और आरएनए के तीन टाइप्स हैं, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, और उसके बाद एमआरएनए मैसेंजर आरएनए। तो डीएनए डीएनए के अंदर, इसके अंदर जो है जो एब्सेंट है, इसके अंदर यूरेसिल एब्सेंट है, और इसके अंदर जो है थायमाइन एब्सेंट है। दोबारा देख लें इसको, डीएनए डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए में C5H10O4 वाली पेंटोज शुगर पाई जाती है, और आरएनए में C5H10O5 वाली जिसको आप राइबोज शुगर कहते हैं वो पाई जाती है। डीएनए में एडेनाइन गुआनाइन साइटोसाइन थायमाइन प्रेजेंट होता है जबकि यूरेसिल एब्सेंट होता है। आरएनए में एडेनाइन गुआनाइन साइटोसिन और यूरेसिल प्रेजेंट होते हैं, थायमाइन एब्सेंट होता है। जबकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड या हेलिकल स्ट्रक्चर है, लेडर टाइप है, और आरएनए